वेलकम टू समाधान स्टडी गाइस। जैसे कि पता है कि आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में आपके सामने हाजिर होता है, तो मेरे पास एक लेटेस्ट अपडेट आई है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा। तो देखिए लेटेस्ट अपडेट कौन सी है, जो आपके दसवीं और बारहवीं वाले विद्यार्थी, क्योंकि आपका जो है बोर्ड है और आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। बाकी जो स्टूडेंट है जो अभी पांचवी आठवीं तक जो है उन्हें पास कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उन्हें परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट गाइस जो दसवीं और बारहवीं वाले विद्यार्थी है, खास कर से दसवीं और बारहवीं वाले विद्यार्थी के लिए उनका पैटर्न चेंज कर दिया गया। एग्जाम का पैटर्न क्या होता था पहले, उसकी भी जानकारी दूंगा मैं वीडियो में, और जो अभी आपका पैटर्न रहने वाला है नया वाला। तो चलिए देखिए ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है हमारे पास, स्कूल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का जो है यह ऑफिशियल ट्वीट है। इसमें जो भी जानकारी होती है सत्य जानकारी होती है, और यही पर जो है गाइस आपको सब कुछ जानकारी मिलती है। देखिए ये हमारे पास जो है एक न्यूज़पेपर है, वहां पर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो जानकारी दी गई है उसे पर दिया गया। देख इस बार बोर्ड परीक्षा में 30% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न नहीं होंगे। पहले क्या होता था, दीर्घ उत्तीर्ण भी प्रश्न आपसे पूछे जाते थे, बट इस सत्र में क्या होगा, इस सत्र में आपको दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया गया एग्जाम का। पहले क्या होता था, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कम पूछा जाता था, 10 से 15 नंबर का आपको वस्तुनिष्ठ पूछा जाता था, बट इस सत्र में आपसे 30 अंक का पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 3-3 नंबर के होने वाले, वह आपसे 30 पूछा जाएगा, ठीक है। और तार्किक प्रश्न जो आपका 4 अंक निर्धारित किए होंगे, 10 प्रश्न होंगे, वह आपके होंगे 4 अंक के, ठीक है। 4 अंक के होंगे आपके 10 प्रश्न, जो आपको 120 से लेकर 150 शब्दों में लिखना है। लघु उत्तरी में क्या लिखना है आपको, 75 से लेकर जितनी क्राइटेरिया यहां पर दी है उतने ही क्राइटेरिया में आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। आपको याद होगा तो बिल्कुल, जैसे 3 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन, तो आपको 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। और 30 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले आपके, कितने 30 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। और पहले का पैटर्न मैं बता दूं आपको, पहले का जो पैटर्न था वो क्या था, कुल आपका 100 नंबर का होता था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने थे 25 पूछा जाता था, कितने 25 वस्तुनिष्ठ पूछा जाता था, पर इस सत्र में 30 पूछा जाने वाला है। देखिए 2 अंक के 10 क्वेश्चन होते थे, और लघु उत्तरी भी होते थे, दीर्घ उत्तरी भी होते थे, और आपके जो है उसके बाद निबंध भी होता था। पर इस सत्र में क्या है, आपका ओनली क्या दिया रहने वाला है, आपका रहने वाला है तार्किक प्रश्न, और क्या रहने वाला है, लघु उत्तीर्ण और वस्तुनिष्ठ। सिर्फ 3 ही पैटर्न पर आधारित आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। 30 दूनी 60 नंबर आपके वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरी, और जो 4-4 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 40 अंक का यह पैटर्न रहने वाला है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी, और आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी स्टार्ट रखेंगे और तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। यह जो है ऑफिशियल ट्वीट है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आया हुआ है, तो आप जो है इसी पर जो है बेस्ड जो अपनी तैयारी कीजिएगा। चलिए जय हिंद गाइस, जय भारत। फिर ऐसे ही साथ ऐसे लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।